गाइस ये देख रहे हो ऊपर थर्ड फ्लोर से नीचे सड़क का नज़ारा। इस टाइम बजे हैं रात के 1:30 और दूर दूर तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। और इस टाइम पर तुम्हारा भाई कर रहा है इंटेंस लेग वर्कआउट, अलग लेवल की मोटिवेशन ला रहा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम अपने चैनल का पहला ब्लॉग शूट कर रहे हैं एंड थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है व्लॉगिंग कैसे करते हैं। हाँ, मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को, दूसरे ब्लॉगर्स को देखा हुआ है, स्टिल आई एम अ बिट नर्वस। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बज रहे हैं रात के 11:30, ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं रात के। एंड द रीजन हम इतनी लेट नाइट शूट कर रहे हैं इसके, पूरे दिन मैं बाहर था, पहले ऑफिस में था, देन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर था। 10 बजे मैं वापस आया, उसके बाद सोचा आधे घंटे का यार पावर नैप ले लेता हूँ, और वो कब आधा घंटा 1.5 घंटा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। आई केप्ट स्लीपिंग, सो अभी मैं उठा हूँ एंड हम शूट कर रहे हैं एक वर्कआउट ब्लॉग। तो अब हम इसके बाद में वर्कआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले पेट में कुछ जरूर जाना चाहिए। तो आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी ले रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट मील। तो इसमें क्या है मेरे पास में, 2 सैंडविचेस हैं, ये व्हाइट ब्रेड है, इसके अंदर कुछ नहीं, आलू की फिलिंग है, साथ में ये हरी चटनी है एंड कोल्ड कॉफी। एंड यहाँ पर मेरा चल रहा है भैया पावर लिफ्टिंग मोटिवेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में इसको देखूंगा, इसको फिनिश करूंगा हाफ एन आवर बाद, मतलब जब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके होंगे। सो गाइस पहले इसको फिनिश करता हूँ एंड देन आपको मिलता हूँ अपने वर्कआउट के साथ में। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना वर्कआउट एरिया, कहाँ मैं डेली बेसिस पे वर्कआउट करता हूँ। तो बेसिकली ये 3rd फ्लोर है और यहाँ पर एक ओपन छत है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन छत। सो गाइस ये है मेरा वर्कआउट एरिया, ये ओपन छत है और ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो कितनी बड़ी है। और इस टाइम पर यहाँ पर चल रही ठंडी ठंडी हवा, देख रहे हो कैसे ये झंडा लहरा रहा है, मस्त वाली ठंडी हवा चल रही है। और जिम भी, बड़े बड़े जिम, हाई फाई जिम भी यहाँ पर फेल हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ी देर में अपना वर्कआउट करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे साले तूने वर्कआउट एरिया तो दिखा दिया, यहाँ पर कोई सामान तो है, तू वर्कआउट करेगा किससे। सो रुक जाओ, अभी मैं यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान सेट करूँगा। इट विल टेक 15 to 20 मिनट, सारा सामान एक बार सेट करते हैं उसके बाद ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस सारा का सारा सामान मैंने बाहर रख लिया है, जितना भी वेट्स हैं और स्क्वाट रैक, एंड इट ऑलमोस्ट टुक मी 15 मिनट्स। और ये डेली करना पड़ता है, डेली मुझे सामान बाहर रखना पड़ता है और डेली वर्कआउट खत्म होने के बाद में सामान अंदर रखना पड़ता है। अभी तो फिर भी सही है, लेकिन जब वर्कआउट खत्म हो चुका होता है, बंदा पूरा एग्जॉस्टेड होता है, तब बहुत ज़्यादा यार बिल्कुल मौत आ जाती है सीरियसली। तब तो मन करता है यार कोई सामान समेत मुझे अंदर बिठा दे यार। खैर एनीवेज गाइस चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। Let's go. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. गाइज आजकल मैं एक डेली स्क्वाट प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मुझे डेली बेसिस पे स्क्वाट करने हैं, हर रोज स्क्वाट करने हैं। सो एज पर द प्रोग्राम मुझे आज 140 किलोग्राम के 5 रेप्स का परफॉर्म करने हैं, बट मेरा मन थोड़ा सा ज़्यादा करने का है। सो आई ट्राई एंड पुश एंड डू 6, 7, 8 जितने भी निकलते हैं, देखते हैं कितने रेप्स कर पाता हूँ गाइज। गाइज ये देख रहे हो ऊपर 3rd फ्लोर से नीचे सड़क का नज़ारा। इस टाइम बजे हैं रात के 1:30 और दूर दूर तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। और इस टाइम पर तुम्हारा भाई कर रहा है इंटेंस लेग वर्कआउट, अलग लेवल की मोटिवेशन ला रहा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। बस वीडियो को वायरल करवा दो तुम, वो देखो कहाँ तक दूर तक कोई नज़र नहीं है भाई। Yeah.
I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. So guys, the back squat have been done. Program मैंने complete कर लिया आज का. अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ accessory exercises. तो हम basically यहाँ पर तीन accessory exercises मैं करूँगा. First one will be the front squat. Second one will be the goblet squat. और उसके बाद हम करेंगे lunges. एक बार हमारी accessory exercises खत्म हो जाती है, उसके बाद हम करेंगे some lightweight deadlifts or speed reps. तो पहले complete करते हैं हम अपनी accessory exercises. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Oh, yeah. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. So guys, मस्त वाला मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया है. It's time for some post workout meal. तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं post workout meal में क्या ले रहा हूँ. So guys, ये है मेरा post workout meal. तो यहाँ पर ये कुछ roasted veggies हैं, mixed vegetables हैं, 5 whole eggs हैं, और ये है मेरा protein shake. तो इस time लग रही है बहुत वाली गंदे वाली भूख. तो पहले इसको finish करते हैं. गाइज, हमारे चैनल का ये पहला व्लॉग था. ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था व्लॉगिंग किस तरीके से होती है. अगर और व्लॉग्स बनते हैं चैनल पर, आप लोगों का प्यार मिलता है, तो आई विल मेकिंग मोर व्लॉग्स एंड इसके बाद में इम्प्रूवमेंट ही आएगी. बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे. गाइज, इसे फिनिश करूंगा. बहुत ज़्यादा हेक्टिक दे था, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस टाइम पर, बहुत थकावट हो रखी है. सो इसके बाद सीधा स्ट्रेट ऑन टू द बेड. मिलता हूँ गाइज आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर गाइज, बाय. That's how I know that I'm unstoppable.